में आप देख सकते हैं कि कैसे पटना से कुछ लगभग 40 किलोमीटर दूर आपको जहानाबाद घोशी एक जगह है, उस जगह का कि से गांव में, पटना के गांव में लोग रहते हैं। और आप ये भी देखेंगे कैसे गेहूं का अभी कटैया होने के बाद कैसे दौरी हो रहा है, उसको थ्रेसर से कैसे ये किया जा रहा है। और ये अद्भुत गांव है, लगभग ये आधा शहर है आधा गांव है, इस टाइप का ये। मतलब रोड तो अच्छा बन चुका है, गांव है फिर भी रोड अच्छा है, बिजली भी अच्छा है। थोड़ा यही है कि इधर स्वास्थ्य का ये थोड़ा ये है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ इस गांव में, कुछ पेशेंट्स को देखना है, क्योंकि मैं एज ए एक्टर के अलावा मैं डॉक्टर भी हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, कुछ पेशेंट को भी देखूँगा जिसको मैं अच्छा से ट्रीटमेंट दे सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो उम्मीद है ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आएगा, और पसंद आए तो मन हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। भी लोग हेलमेट पहनने लगे हैं, ये पटना से सटा गांव है, इसलिए ये देखिए छतरिया से निकला हुआ पटना के गांव। बस क्या नजारा, ये पटना सीधे चल जाता है मसौड़ी 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 उधर जाएगा। शिव कह